कल्पना कीजिए कि एक बस भीड़भाड़ वाले बाजार से गुजर रही है। बस बाजार के अंत तक जाती है और बाएं मुड़कर हाईवे पर आकर अपनी स्पीड बढ़ाने लगती है। अब जब बस तेजी से चलने लगती है तो आप स्पीडोमीटर पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि स्पीडोमीटर की रीडिंग लगातार बढ़ रही होती है। वेग में हो रहे परिवर्तन के दर का आकलन करने के लिए हम एक नई भौतिक राशि त्वरण के बारे में सीखेंगे। हम त्वरण को परिभाषित करते हैं वेग में हो रहे परिवर्तन की दर से। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसलिए त्वरण बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लिया गया समय। और हम कह सकते हैं A बराबर V माइनस U बटे T। हमें पता है वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस प्रकार से त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम ms माइनस टू भी लिख सकते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। त्वरण एक समान अथवा असमान हो सकता है। एक समान त्वरण जब कोई वस्तु रेखीय गति करे और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटे या बढ़े। उदाहरण, एक ऊंचाई से गिराई गई गेंद एक समान रूप से त्वरण करती है। असमान त्वरण यानी जब कोई वस्तु रेखीय गति करे और उसका वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से घटे या बढ़े। उदाहरण, एक भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजर रही कार असमान रूप से त्वरण करती है।